हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेटी बिस्किट केक। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बोरबोन के, मैंने ये 3 पैकेट्स लिए हैं, 60 ग्राम का एक पैकेट है। 3 पैकेट का मैंने मिक्सी में डाल के क्रश कर लिया है। अब हम इसमें इसको थोड़ा सा और मिल्की बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर इसलिए नहीं मैं डाल रही हूँ इसमें क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, और हमने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड किया है, वो भी अपनी स्वीटनेस देगा। आप चाहें तो इसमें 1 या 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा मीठा तेज़ खाना है। ठीक है, देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर टू टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ मैं, ये इसको स्मूथनेस देगा, सॉफ्टनेस देगा। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो या आप अपने घर में जो भी ऑयल यूज़ करते हैं। अब मैं बटर मिल्क ले रही हूँ। बटर मिल्क को थोड़ा थोड़ा डाल के मुझे इसका एक बैटर टाइप का तैयार करना है। मैं यहाँ बटर मिल्क लिया है, अगर आपको बटर मिल्क नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा दही ले सकते हैं, दही के साथ थोड़ा पानी मिक्स कर लीजिए, वो भी आपका बटर मिल्क का ही काम करेगा। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये कितना झटपट बनने वाली चीज़ है, इंस्टेंट बन जाता है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसका बैटर बनाते जाइए। ये मैंने आधा ग्लास बटर मिल्क लिया था और उसमें लगभग थोड़ा सा ही बचा है, सारा ही हमारा इसमें कंज्यूम हो गया है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ा सा मैं लिक्विड सोडा यूज करूंगी। ये, और इसको धीरे धीरे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने ड्राई जो आपका खाने का सोडा होता है वो नहीं लिया है, मैं इसमें लिक्विड सोडा यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इस तरह का ये बैटर हो जाना चाहिए। अब इस बैटर को मोल्ड में डालकर 180 डिग्री पर ओवन को प्रीहीट करें 5 से 10 मिनट, और फिर इसको 30 मिनट्स के लिए बेक करें 180 डिग्री पर। आपने इसको बीच में नहीं खोलना है, आपको 22 मिनट्स के बाद ही इसको खोल कर चेक करना है। अगर ये हो जाता है तो आप अभी बंद कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कसर है, थोड़ी इसमें जो भी टूथपिक से आप चेक कर रहे हैं, नाइफ से चेक कर रहे हैं, वो चिपक रहा है, तो आप इसमें इसको 7-8 मिनट के लिए और रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना मोल्ड
ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, इसको अब मैं इसमें आधा फिल करूंगी। और जो ये मेरा बैटर बचा हुआ है इसको मैं आज आपको गैस पर इडली स्टैंड में भी स्मॉल केक बनाना बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम बेक करते हैं, और बेक करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि आफ्टर बेकिंग ये कैसा बन के आता है। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ जो बैटर हमारा बचा है उसको हमें गैस पे इडली स्टैंड में स्मॉल केक कैसे बनाने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसमें लगभग एक बाउल अपना सॉल्ट डालेंगे। इस सॉल्ट को हाथ से हल्का इकसार कर लें, और इकसार करने के बाद इसको गैस पे रख दें हाई फ्लेम पर लिड को लगाकर, ऐसे लूज लिड रख देनी है। अब इसको हम गैस पे रखने जा रहे हैं, ये हम गैस पे रख रहे हैं, इसको हाई फ्लेम पे ही रखा है, ढक्कन को हल्का सा लूज रख के ऐसे ही रख दिया है। अभी 5 मिनट हाई फ्लेम पे, जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इडली स्टैंड लेंगे, इसकी प्लेट्स को ग्रीस करेंगे और उसमें अपना बैटर डालेंगे। अब हम अपने इडली स्टैंड को ग्रीस करेंगे। ये देखिए ग्रीस हो गया है। अब जो हमारा ये चॉकलेट का बैटर बचा हुआ है इसको हम अपने इडली स्टैंड के मोल्ड्स में पोर करेंगे। हमने पोर कर लिया है। अब बस इसको हम जैसे ही हमारा इडली स्टैंड गर्म हो जाता है इसको हम इडली स्टैंड के अंदर रख देंगे। देखिए ये हमारा इडली स्टैंड ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखिए इसको हमने ऐसे ही रख दिया है। मेरे पास इतना ही बचा है इसलिए मैं आपको इतनी ही प्लेट्स भर के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी प्लेट्स में भर के बना सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा इडली स्टैंड गर्म होने लगा है जो हमने इसमें सॉल्ट डाला था। अब हम अपना इडली की प्लेट को अंदर रख के इस ढक्कन को लगा देंगे और 5 मिनट अभी हाई फ्लेम पर रखेंगे। उसके बाद हम इसको स्लो पे कर देंगे और स्लो पे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारी इडली अभी बनी तैयार हुई या नहीं हुई, या हमारे चॉकलेट के स्मॉल केक्स रेडी हुए कि नहीं हुए। देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों चीज़ निकाल ली हैं बेक करके। ये जो हमने कुकर में इडली स्टैंड में बेक किया था इसको 5 मिनट तेज गैस पे रखा एंड 10 मिनट स्लो फ्लेम पे रख के इसको हमने बाहर निकाल लिया है, ये ठंडा हो गया है। और जो हमने ओवन में बेक किया था, ओवन में हमें बेक करने के लिए 25 मिनट लगी हैं पूरी, अब हमने ओवन से निकाल के इसको भी ठंडा कर लिया है। अब हम आपको दोनों तरह के केक प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। देखिए ये हमने इसको प्लेट में रख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हल्की सी डिज़ाइनिंग देनी है। उस डिज़ाइनिंग को देने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक चीनी और पानी को गर्म करके एक ये घोल टाइप का तैयार करा है। हम इसको हल्के हल्के ब्रश से लेके केक के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा लग गया है। अब हमें क्या करना है, हमने कुछ पेपर की स्टेप्स काटी हैं, हमें ये इस पर सेट करनी है।
एंड दिस लास्ट वन हमने थोड़ी सी शुगर का पाउडर बनाया है। अब इस पाउडर को हम स्टेनर की हेल्प से इस केक के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी स्टेप्स को धीरे धीरे उठाएंगे। ये देखिए, एक सिंपल सा केक कितना सुंदर दिख सकता है विदाउट एनी आइसिंग। एंड हैंड टू हैंड जो इडली में हमने प्लेट में बनाया है, इसका भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि देखिए ये कितना सुंदर, कितना जाली देखिए इसकी कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये कम टाइम में इसलिए बन गया क्योंकि ये काफ़ी पतले पतले पीस थे, इसलिए इनको 10-15 मिनट ही लगी हैं। एंड जो ओवन में बन रहा था केक, उसको हमारे कम से कम 25 मिनट लगी हैं। ये देखिए, देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा हम इनके सेंटर में भी डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। झटपट से इंस्टेंट ये बनने वाली चीज़ है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। इवन इसको बच्चे भी बना सकते हैं, इतना इजी है बनाने में ये। देखिए, और आप मुझे अब ये बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर मेरी रेसिपी बताने का तरीका, मेरा बनाने का तरीका और जो मैंने आपको इसमें ये डेकोरेशन करके दिखाई है, अगर आपको ये सब टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।